नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह चौधरी स्वागत करता हूं राजस्थान इतिहास की इस क्लास में। साथियों, राजस्थान के इतिहास में हम राजस्थान के राजवंशों का इतिहास पढ़ रहे थे, यानी कि मध्यकालीन राजवंशों का इतिहास हम देख रहे थे। साथियों, पिछली क्लासों में हमने चौहान साम्राज्य देखा, मेवाड़ का गुहिल वंश देखा, जयपुर का कछवे साम्राज्य के बारे में देखा, उसके बाद हमने मारवाड़ के राठौड़ और बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास हमने पढ़ लिया है। साथियों, आज राजस्थान के एक अद्भुत, एक गौरवशाली, एक अद्वितीय इतिहास के राजवंश की हम बात करना चाहते हैं, और वो है भरतपुर का जाट राजवंश। साथियों, पूरे राजस्थान में, केवल पूरे भारत में जाटों की एक रियासत थी और वो थी भरतपुर का जाट राजवंश। इस जाट राजवंश का इतिहास इतना गौरवशाली है कि यहाँ का किला इतना अभेद्य है कि उस किले को, जो मिट्टी से बना हुआ है, जो पत्थर से बना हुआ है, उसकी अभेदन क्षमता के कारण, उसकी मजबूती के कारण, वो भारत के इतिहास में लोहागढ़ के किले के नाम से जाना गया। साथियों, राजस्थान का वो इतिहास, वो किला, जिसके बारे में ये बताया जाता है कि विमान के आविष्कार से पहले भरतपुर के लोहागढ़ को जीता जाना मुश्किल था। राजस्थान का वो किला जिसे पाने के लिए महान मुगल तड़पते रहे और अंग्रेज आए भरते रहे। साथियों, राजस्थान का वो इतिहास जो हम शुरू करने वाले हैं, वो गौरवशाली इतिहास है भरतपुर का जाट राजवंश। साथियों, भरतपुर के जाट राजवंश को पढ़ने से पहले थोड़ा हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं कि कहां जाटों का विद्रोह शुरू हुआ और क्यों जाटों को एक साम्राज्य की शुरुआत करनी पड़ी। साथियों, समय था समय था 1669 में औरंगजेब के द्वारा, जो मुगल बादशाह था औरंगजेब के द्वारा मंदिर तुड़वाने के आदेश जारी किए जाते हैं कि अपने अपने क्षेत्र में जो मंदिर है, उन मंदिरों की लिस्ट बनाई जाए और उन मंदिरों को तुड़वाया जाए। जब मथुरा, अलीगढ़, भरतपुर, ये जो एरिया था, इस एरिया में जब मंदिर तोड़े गए तो वहां के जाटों ने विद्रोह किया। जिस प्रकार पंजाब के मंदिर टूटे, गुरुद्वारे टूटे, तो सिख विद्रोह शुरू हुआ। हरियाणा में सतनामी विद्रोह शुरू हुआ, उसी प्रकार मथुरा अलीगढ़ वाले क्षेत्र में जाट विद्रोह की शुरुआत हुई। उस जाट विद्रोह का नेतृत्व करने वाला था गोकुला जाट। इस गोकुला जाट ने पहली बार औरंगजेब के खिलाफ जाट विद्रोह किया। जब गोकुला जाट की मृत्यु हुई तो जाट विद्रोह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था राजा राम जाट। तो गोकुला जाट के बाद राजा राम जाट। साथियों, राजा राम जाट वो व्यक्ति था जिसने जब सिकंदरा को लूटा तो सिकंदरा में अकबर की कब्र को खोदकर, उसकी अस्थि पंजरों को निकालकर हिंदू परंपरा के अनुसार उन अस्थियों को जलाया, वो राजा राम जाट। राजा राम जाट ने जाटों की एक नई शाखा शुरू की, सिंसिनी गांव में आकर रहने लगे। और सिंसिनी गांव में रहने के कारण जाटों की एक नई शाखा शुरू हुई जिनका नाम था सिंसिनवार जाट। आज भी भरतपुर वाले क्षेत्र में अगर जाटों की हम खेप देखें तो सिंसिनवार जाट जो है वो सिंसिनवार, फौजदार, ये ज्यादा मिलते हैं। तो सिंसिनवारों की शुरुआत, चूंकि राजा राम जाट के समय ये जाट सिंसिनी गांव में रहे थे, इसलिए सिंसिनवारों की एक नई शाखा शुरू हुई। और अकबर की अस्थियां हिंदू परंपरा के अनुसार निकालने वाला व्यक्ति भी आपका राजा राम जाट था। साथियों, आगे हम बात करें तो राजा राम जाट की मृत्यु के बाद इस जाट विद्रोह का नेतृत्व चूड़ामन जाट के हाथों में आया। और इस चूड़ामन जाट ने शुरुआत में थून नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। थून में एक किले का निर्माण करवाया और इस थून को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया, अपनी राजधानी बनाया। चूड़ामन जाट को स्वतंत्र जाट साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो भरतपुर के स्वतंत्र जाट साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जाट साम्राज्य का आदि पुरुष, जाट साम्राज्य की शुरुआत करने वाला चूड़ामन जाट था। औरंगजेब के खिलाफ जो जाट विद्रोह हुआ, उस जाट विद्रोह की शुरुआत गोकुला जाट ने की, उसके बाद राजा राम जाट, और राजा राम जाट के बाद चूड़ामन जाट। चूड़ामन जाट के द्वारा थून को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया गया और भरतपुर में स्वतंत्र जाट साम्राज्य की शुरुआत की गई। लेकिन जब चूड़ामन जाट की मृत्यु हुई तो उसके पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। एक तरफ उसका बेटा मोखम सिंह और दूसरी तरफ उसका भतीजा बदन सिंह।
इस समय मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला, और मोहम्मद शाह रंगीला ये चाहता था कि किसी ना किसी प्रकार इस जाट विद्रोह को अब समाप्त किया जाए, क्योंकि जाट विद्रोह को दबाने में मुगलों की 3 पीढ़ियां समाप्त हो चुकी थी, लेकिन जाट इनके कंट्रोल में नहीं आए थे। तो मोहम्मद शाह रंगीला की हार्दिक इच्छा थी कि चूड़ामन की मृत्यु के बाद ऐसा कोई शासक भरतपुर की राजगद्दी पर बैठे जो मुगलों के खिलाफ जाट विद्रोह की शुरुआत वापस नहीं करे, जाट विद्रोह यही समाप्त हो जाए। तो यहां मेन भूमिका निभाएंगे जयपुर के सवाई जय सिंह जी। सवाई जय सिंह जी जयपुर के चाणक्य इस बात को भली भांति जानते थे कि अगर चूड़ामन की मृत्यु के बाद चूड़ामन का बेटा मोकम सिंह अगला शासक बना भरतपुर का, तो यह जाट विद्रोह पहले की तरह वापस शुरू होगा। तो सवाई जय सिंह ने इस उत्तराधिकार के मामले में समर्थन किया बदन सिंह जी का, और बदन सिंह जी को पहले समझा दिया कि अगर जाट विद्रोह शुरू करो तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, और अगर जाट विद्रोह आप यहीं समाप्त कर दो तो मैं सवाई जय सिंह आपका साथ दूंगा, मुगल आपका साथ देंगे। सवाई जय सिंह जी की सहायता से बदन सिंह जी भरतपुर के अगले शासक बने, इस जाट साम्राज्य के अगले राजा बने। बदन सिंह जी को सवाई जय सिंह जी के द्वारा ब्रिज राजा की उपाधि के साथ इन्हें भरतपुर का शासक घोषित किया गया, भरतपुर का शासक स्वीकार किया गया। इसी बात से खुश होकर, क्योंकि सवाई जय सिंह ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बदन सिंह को शासक बनाने में, इससे मोहम्मद शाह रंगीला का भी काम आसान हुआ, इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को राजराजेश्वर राजाधिराज की उपाधि से सम्मानित किया था। इधर बदन सिंह जी ब्रज राजा की उपाधि के साथ भरतपुर के शासक बनते हैं। बदन सिंह जी को जाट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जाट साम्राज्य का संस्थापक चूड़ामन जाट, लेकिन जाट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बदन सिंह जी। बदन सिंह जी के द्वारा डीग में अपनी शक्ति का केंद्र बनाया गया, डीग को अपनी राजधानी बनाया, डीग को डीग के किले का निर्माण करवाया, और डीग में बड़े सुंदर जल महलों का निर्माण भी यहां शुरू करवाया गया। इसलिए राजस्थान की कला संस्कृति में प्रश्न आता है कि जल महलों की नगरी है, तो जल महलों की नगरी डीग है, और जल महल डीग के बड़े सुंदर हैं। डीग के जल महल पूरी दुनिया में अपनी बनावट के लिए, अपनी सजावट के लिए, अपने स्थापत्य के लिए जाने जाते हैं। तो वो डीग के जो जल महल थे उनका निर्माण शुरू किया था बदन सिंह जी ने। बदन सिंह जी ने डीग के किले का निर्माण करवाया, बदन सिंह जी ने डीग को अपनी राजधानी बनाया, ब्रज राजा की उपाधि सवाई जय सिंह के द्वारा इन्हें दी गई थी, राजा की उपाधि से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। लेकिन बदन सिंह जी ने कभी भी इस उपाधि का प्रयोग नहीं किया, बल्कि अपने नाम के आगे लगाते थे ठाकुर, तो इनका नाम था ठाकुर बदन सिंह, अपने नाम के आगे ठाकुर टाइटल का ये प्रयोग किया करते थे। क्योंकि ब्रज राजा की उपाधि सवाई जय सिंह के द्वारा दी गई थी, इसलिए इन्होंने शासक बनने के बाद मुगलों और सवाई जय सिंह की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद बदन सिंह जी के बाद जो अगले राजा बनते हैं, भरतपुर के अगले शासक बनते हैं, वो है जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून, एक दमदार शासक, एक ऑलराउंडर शासक, जो एक विद्वान था, जो एक योद्धा था, एक रणनीतिकार था, एक कूटनीतिज्ञ था, और राजस्थान के बड़ी बड़ी रियासतों के राजा जिनके सामने अपना सर झुकाते थे, जिनसे सही और गलत की शिक्षा लेने के लिए आते थे, कब युद्ध करना चाहिए कब युद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसे चाणक्य जिन्हें कहा गया जाटों का प्लेटो। और फिर बाद में अपने राजस्थानियों ने इस प्लेटो शब्द को बोलते बोलते कर दिया अफलातून, हम तो कुछ भी बोल ही सकते हैं, तो प्लेटो को हम बोलने लग गए अफलातून। तो जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? अफलातून मतलब ऑलराउंडर। तो जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून कहा जाता है महाराजा सूरजमल जी को, जाट महाराजा सूरजमल जी, जाट महाराजा सूरजमल जी। जाट महाराजा सूरजमल जी ने भरतपुर को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया, भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया, और भरतपुर के किले का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। डीग के जिन जल महलों का निर्माण ठाकुर बदन सिंह जी के द्वारा शुरू किया गया था, उन डीग के जल महलों का निर्माण कंप्लीट करवाया गया महाराजा सूरजमल के द्वारा। तो भरतपुर के जाट महाराजा सूरजमल, जिन्होंने
लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया, जिन्होंने भरतपुर के भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया। भरतपुर को अपनी राजधानी बनाने के बाद डीक के जल महलों का निर्माण कंप्लीट करवाया। तो डीक के जल महलों का निर्माण शुरू हुआ था बदन सिंह जी के समय और निर्माण कंप्लीट हुआ महाराजा सूरजमल जी के समय। एक समय वो आया कि जब मराठे अपनी शक्ति का विस्तार कर चुके थे और भारत की एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के तौर पर मराठों को देखा जा रहा था, वहीं उस समय एक लुटेरा भारत की उत्तरी सीमाओं पर पंजाब को जीतता हुआ, नाम था उसका अहमद शाह अब्दाली, भारत में घुसने की कोशिश करता है। मराठों और अब्दाली के बीच संघर्ष शुरू होता है। एक मराठा सेनानायक की हत्या अब्दाली के द्वारा कर दी जाती है, इसलिए मराठे अपने सेनापति की हत्या का बदला लेने के लिए अब पंजाब क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, अहमद शाह अब्दाली से युद्ध लड़ते हैं। तो मराठों ने बीच में महाराजा सूरजमल जी की सहायता मांगी, महाराजा सूरजमल जी ने उन्हें सहायता देने का आश्वासन दिया। चूंकि महाराजा सूरजमल अपने आप में चाणक्य थे और कई रियासतों के शासक उनके आगे सिर झुकाते थे, तो मराठों को जब पता चला कि उत्तर भारत की राजनीति में महाराजा सूरजमल अपना एक अलग स्थान रखते हैं, इसलिए चूंकि ये युद्ध उत्तर भारत में लड़ा जा रहा है, चूंकि हम दक्षिण भारत की शक्ति और पहली बार उत्तर भारत में इतने उत्तरी क्षेत्रों को हम जीतने जा रहे हैं, अहमद शाह अब्दाली जैसे एक महान, हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छे नेतृत्वकर्ता से अगर हम युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं तो महाराजा सूरजमल की सहायता हमारे लिए जरूरी है। महाराजा सूरजमल के पास जब ये गए तो मराठा सेनापति, मराठा सेनानायक जिसने इस युद्ध को लीड किया, सदाशिव भाऊ को सूरजमल जी ने समझाया कि सदाशिव हम युद्ध के लिए जा रहे हैं लेकिन तुम यहां एक गलती कर रहे हो और गलती तुम ये कर रहे हो कि तुम इतनी भारी तोपें लेकर अहमद शाह अब्दाली का मुकाबला करने के लिए जा रहे हो। उत्तर भारत का मौसम तुम अभी जानते नहीं हो, जब तक तुम वहां पहुंचोगे युद्ध की शुरुआत होगी तब तक बारिश हो चुकी होगी और बारिश होने के कारण तुम्हारी ये तोपें खराब हो जाएगी, तो इतनी भारी तोपें युद्ध में ले जाने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, तुम इस युद्ध को लड़ने से पहले तुम्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि युद्ध में महिलाओं को ले जाना सुरक्षात्मक दृष्टि से ठीक नहीं है और तुम अपने साथ अपनी पत्नियों को लेकर आए हो। साथियों, ये पानीपत का तीसरा जो युद्ध था ये मराठों की तरफ से लड़ा गया वो युद्ध था जब मराठों ने पहली बार युद्ध के मैदान में अपनी अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को ये लोग साथ लेकर गए थे। इतिहासकार बताते हैं इस बात को कि भारी तोपे ले जाना और युद्ध में अपनी पत्नियों को, अपने परिवार को साथ ले जाना मराठों को भारी पड़ा और इस युद्ध में मराठे हार गए और अहमद शाह अब्दाली जीत गया। लगभग आधी सेना मारी गई मराठों की। मराठों ने सूरजमल जी की बात नहीं मानी थी। सूरजमल जी ने दो बातों के लिए मना किया था, एक तो इन औरतों को यहीं छोड़ दो भरतपुर के किले में और तुम युद्ध लड़के आओ, इनकी रक्षा की गारंटी मैं लेता हूं, दूसरा ये भारी तोपे मत लेके जाओ। और दोनों जिन चीजों के लिए सूरजमल जी ने मना किया था उन दोनों चीजों की वजह से मराठे इस युद्ध में हार गए, मराठों की शक्ति क्षीण हो गई, लगभग आधी मराठा ताकत टूट चुकी थी। और पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की इतनी बड़ी सेना के खत्म हो जाने के कारण, मराठों के सेनापतियों के खत्म हो जाने के कारण जो पेशवा था वो इस हार के मारे, अपने मराठाओं की जो दुर्गति इस युद्ध में हुई इस वजह से सदमे में चला जाता है और मराठा पेशवा माधवराव मर जाता है। मराठाओं के जो पेशवा थे इस युद्ध के बाद मर जाते हैं। साथियों, तो पानीपत के युद्ध में जब मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच ये युद्ध हुआ तो मराठाओं का साथ देने वाले व्यक्ति थे जाट महाराजा सूरजमल जी। सत्रह सौ चौवन में, इससे पहले की यह घटना है पानीपत युद्ध से पहले कि 1754 में इन्होंने दिल्ली पर चढ़ाई की थी। आए दिन दिल्ली पर चढ़ाई करते थे, दिल्ली को तो
जाटों ने यह समझ रखा था कि दिल्ली तो ये है, अभी गए अभी जीत के लाए। 1754 में दिल्ली पर चढ़ाई की, लाल किले को जीता, और दिल्ली पर चढ़ाई करने के बाद इनको दिख गया वहां पड़ा हुआ था नूरजहां का झूला। नूरजहां कौन थी? जहांगीर की पत्नी थी। तो नूरजहां जिस झूले पर झूला खाती थी वो झूला सूरजमल जी को दिख गया। सूरजमल जी ने कहा कि इसको उठा लाओ, पहले इस पर जहांगीर की पत्नी झूलती थी, अब हमारी पत्नी झूलेगी। तो डीक के जल महलों में लाकर इस नूरजहां के झूले को स्थापित करवा दिया महाराजा सूरजमल जी ने। तो ये थे डीक के जल महल। लोहागढ़ किला बनवाया, भरतपुर को राजधानी बनवाया, डीक के जल महलों का निर्माण करवाया, और डीक के जल महलों में नूरजहां के झूले को जो दिल्ली विजय से लेकर आए थे वहां स्थापित करवाया। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का साथ दिया, मराठों को समझाया, लेकिन मराठों ने इनकी समझ के हिसाब से काम नहीं किया तो मराठे हार गए और मराठों की शक्ति कुछ समय के लिए टूट गई। मराठे फ्री हो गए एक तरीके से देखा जाए तो। इसके बाद मराठे उभर नहीं पाए, मराठे खत्म हो गए। प्रशासन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भरतपुर में प्रशासनिक दृष्टि से इन्होंने कई नवाचार किए, प्रशासन को नया रूप प्रदान किया, क्योंकि नए नए नवाचार करना इनको पसंद था। भरतपुर में नवीन प्रशासनिक व्यवस्था का सूत्रपात इनके द्वारा किया गया और एक नया पद दीवान जिसे कहा जाता है, वो दीवान का पद जो है वो यहां पर शुरू किया गया। और भरतपुर का जो दीवान होता था साहब उसे कहा जाता था मुख्तियार, याद रखना, भरतपुर के दीवान को कहा जाता था मुख्तियार। तो ये महाराजा सूरजमल जी जिन्हें जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून कहा जाता है, नूरजहां का झूला उठा लाए थे दिल्ली से, डीक के जल महलों का निर्माण पूर्ण करवाने वाले और मराठों का पानीपत के युद्ध में साथ देने वाले ये महाराजा सूरजमल जी। महाराजा सूरजमल जी के बाद अगले जो महान योद्धा हैं वो है आपके जाट महाराजा जवाहर सिंह जी। इन्होंने भी दिल्ली पर चढ़ाई की और 1774 में 1774 में दिल्ली गए और दिल्ली के दरवाजे पर, दिल्ली के किले पर, लाल किले पर जो दरवाजा लगा हुआ था अष्टधातु का, उस दरवाजे को तोड़कर भरतपुर ले आए और मुगलों को चैलेंज करके आ गए, दम हो तो भरतपुर आ जाना और ये दरवाजा ले जाना तुम्हारा। तो वो दरवाजे को लेकर आने वाला था जवाहर सिंह और नूरजहां के झूले को उठाकर लेके आने वाला था महाराजा सूरजमल। अब आप कल्पना कर सकते हो कितने उत्पादी आदमी होंगे भरतपुर वाले, और भरतपुर वालों का तो आज भी जयकारा चलता है साहब राजस्थान में। तो महाराजा सूरजमल जी 1774 में दिल्ली, महाराजा जवाहर सिंह जी 1774 में दिल्ली विजय करते हैं, दिल्ली पर चढ़ाई करते हैं और दिल्ली पर लाल किले पर जो मुख्य दरवाजा अष्ट धातु से निर्मित था उस दरवाजे को तोड़कर भरतपुर ले आते हैं। ये वही दरवाजा था जिसे अकबर 1567-68 में जब महाराणा उदय सिंह जी के समय चित्तौड़ पर अटैक किया, चित्तौड़ पर अधिकार किया, उस समय चित्तौड़ के किले से तोड़कर, चित्तौड़ के किले से उठाकर इसे आगरा लाए थे, आगरा से फिर ये दिल्ली आया। तो ये अष्ट धातु का जो दरवाजा था दिल्ली विजय के बाद इसे भरतपुर लाया गया। तो अब ये दरवाजा भरतपुर में आज भी लगा हुआ है। इस दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में जवाहर सिंह जी के द्वारा जहार बुर्ज का निर्माण करवाया गया। तो जवाहर बुर्ज भरतपुर के किले लोहागढ़ में स्थित है, दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में महाराजा जवाहर सिंह जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। उसके बाद भरतपुर के अगले दमदार राजा है जिनका नाम है महाराजा रणजीत सिंह जी। महाराजा रणजीत सिंह चूंकि मराठों के सूरजमल के समय से ही अच्छे संबंध थे, इसलिए जब मराठों के साथ समस्या आई, जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो 1803 से 1805 के बीच लड़ा गया, दूसरा आंग्ल मराठा अंग्रेजों और मराठों के बीच में लड़ा गया जो युद्ध था, उस युद्ध में जब दो मराठा सेनापति सिंधिया और भोसले पकड़े गए, उन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की, देवगांव की संधि, सुरजी अर्जन गांव की संधि, तब एक मराठा सेनापति जिसका नाम था जसवंतराव होलकर, वो जसवंतराव होलकर भागकर अंग्रेजों से डर कर शरण ले लेता है भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में। तो लोहागढ़ दुर्ग में शरण ले लेता है और लोहागढ़ के जो शासक हैं वो है इस समय रणजीत सिंह जी।
वो जसवंत राव होलकर को पनाह देते हैं भरतपुर के इस किले में। इसी वजह से एक अंग्रेज सेनापति जिसका नाम था लॉर्ड लेक, लॉर्ड लेक भरतपुर के किले पर 5 बार आक्रमण करता है लेकिन 1 बार भी सफल नहीं हो पाता है। भरतपुर का किला अपनी सुदृढ़ता के कारण, अपनी मजबूती के कारण न इसे अंग्रेज जीत पाए न इसे मुगल जीत पाए, और कहा जाता है कि विमान के आविष्कार से पहले इस किले को जीत पाना असंभव था। इतने तगड़े तरीके से बनाया हुआ था भरतपुर का किला, इतना अभेद्य, इतना सुरक्षित किला ये माना जाता है। और भरतपुर के किले के बारे में कहावत है कि साहब 8 फिरंगी 9 गोरा और लड़े जाट का 2 छोरा। तो जाट के 2 छोरे 8 फिरंगियों और 9 गोरों पर भारी पड़ते हैं। तो यह भरतपुर का इतिहास है, राजस्थान के भरतपुर राजवंश के जाटों का इतिहास है। यह महाराजा रणजीत सिंह द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जब जसवंत राव होलकर भागकर भरतपुर आते हैं, लोहागढ़ में रुकते हैं, इस वजह से लॉर्ड लेक के द्वारा इन पर अटैक किया जाता है। 5 बार आक्रमण करने के कारण बाद भी भरतपुर के किले पर विजय प्राप्त नहीं होती, बाद में जसवंत राव होलकर के द्वारा संधि कर ली जाती है अंग्रेजों के साथ। 1818 में महाराजा रणजीत सिंह भी अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान की कई सारी ऐसी रियासतें थी जिनके द्वारा अंग्रेजों के साथ संधियां की गई। महाराजा रणजीत सिंह जो है, जिस समय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है, तो शुरुआत में 1803 के समय ही अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते हैं, लेकिन इस संधि का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि अगर संधि का पालन करते तो जसवंत राव होलकर को यहाँ इस दुर्ग में शरण नहीं दी जाती। तो ये महाराजा रणजीत सिंह थे जिन्होंने जसवंत राव होलकर को शरण दी थी, और इसी वजह से लॉर्ड लेक ने 5 बार भरतपुर पर आक्रमण किया था। अगले शासक महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय 1857 की क्रांति के समय अल्प अवस्था के ये बालक के रूप में वहां शासन कर रहे थे, और अंग्रेजों के उस समय जो भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे, भरतपुर के जो अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, उनका नाम था मॉरिसन। मॉरिसन का यहाँ के शासन पर अधिकार था। 1857 की क्रांति के समय ये एक छोटे बच्चे थे, अल्प आयु में थे, तो वहां की जनता ने विरोध किया और मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर भागना पड़ा। जसवंत सिंह जी के बाद लास्ट शासक हम देखेंगे ब्रजेंद्र सिंह जी। राजस्थान का एकीकरण हुआ, पहले ही चरण में अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इसको अलग करके इन 4 रियासतों को जोड़ के मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। उस मत्स्य संघ में शामिल थे भरतपुर के ब्रजेंद्र सिंह जी। फिर बाद में 5वें चरण में संयुक्त बृहत राजस्थान के तहत इस मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया। इससे पहले जब मत्स्य संघ पहले चरण में बनाया गया था, उस समय इन्हें ये बीच में लटका दिया गया था कि आपको या तो उत्तर प्रदेश में मिला देंगे या राजस्थान में मिला देंगे, इनका भविष्य तय नहीं हुआ था। और एकीकरण की शुरुआत अलवर और भरतपुर से इसलिए हुई कि अलवर के जो शासक थे उन पर महात्मा गांधी की हत्यारों को शरण देने का आरोप लगा था। वहीं भरतपुर में भी हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, और इन दंगों के कारण यहाँ के राजा ब्रजेंद्र सिंह जी शासन संचालन में असक्षम नजर आ रहे थे। तो सबसे पहले एकीकरण अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र से शुरू हुआ। तो एक एक करके हमने शासक देखे कि साहब गोकुला जाट, गोकुला जाट के समय जाट विद्रोह शुरू हुआ। गोकुला जाट के बाद इस जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम जी ने किया। राजा राम जी के बाद इसका नेतृत्व चूड़ामन जी ने किया। चूड़ामन जी के बाद अगले राजा बने आपके बदन सिंह जी, और बदन सिंह जी के बाद इनके बाद अगले शासक बनते हैं महाराजा सूरजमल जी। सूरजमल जी के बाद हमने देखा महाराजा जवाहर सिंह जी को। जवाहर सिंह जी के बाद हमने देखा रणजीत सिंह जी को। रणजीत सिंह जी के बाद जसवंत सिंह जी सेकेंड, और उसके बाद आखिरी शासक के रूप में हमने देखा ब्रजेंद्र सिंह जी को। तो साथियों, ये भरतपुर का गौरवशाली इतिहास था, जाटों का इतिहास था, जिसमें से एक राजा राम जो सिकंदरा पर आगरा सिकंदरा में जाता है और अकबर के मकबरे को लूटकर अकबर की अस्थियों का हिंदू परंपरा के अनुसार विसर्जन करता है। एक महाराजा सूरजमल
जो दिल्ली पर चढ़ाई करता है और नूरजहां के झूले को उठाकर भरतपुर के डीक के महलों में लाकर लगा देता है। एक महाराजा जवाहर सिंह जी जो अष्ट धातु के दरवाजे को दिल्ली से खोल कर ले आते हैं। ये जाटों का इतिहास था, ये राजस्थान का एक गौरवशाली इतिहास था जो आज की क्लास में हमने किया। नेक्स्ट क्लास में राजस्थान के अलग राजवंश के साथ मिलते हैं। राजस्थान के गौरवशाली इतिहास में हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। साथियों याद रखना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लगे रहिए, डटे रहिए, लड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने सपनों को नहीं उड़ान दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।